बिजली रेल अमरेल बा, अपराधी के जेल बा। दिनेश लाल यादव जी 26 तारीख को चुनाव भारी मतों से जीत रहे हैं। आजमगढ़ ने तय कर लिया है अपने दुर्भाग्य को खत्म करने का, एक नया सूर्य यहाँ उदय होगा भारतीय जनता पार्टी का, और उसके बाद भारत सरकार की सारी योजनाएं पूज्य महाराज जी की, आपको सड़कों 2 साल देना है और देखिएगा दिनेश लाल यादव यहाँ सारी चीजें को बदलेंगे, हमारी सरकार लग जाएगी इस आजमगढ़ के भाग्य को नया भाग्य बनाने के लिए। 26 तारीख को कमल का फूल खिलेगा, दिनेश लाल यादव को आजमगढ़ सांसद बना रहा है और भारी मतों से जीत हो रही है। दिनेश लाल यादव के लिए प्रचार के लिए आई हैं आम्रपाली दुबे जी, क्या कहेंगी? मैं खाली आजमगढ़ की जनता से यही निवेदन करूंगी कि कमल के बटन पे वोट दें और दिनेश जी को भारी मतों से विजयी बनाएं, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा सरकार है, राज्य में भी भाजपा सरकार है, और अगर आजमगढ़ में भी भाजपा की सरकार होगी तो इसका फायदा आजमगढ़ की जनता उठा पाएगी। क्या लग रहा है, दिनेश लाल यादव जी आसानी से जीत रहे हैं या चुनौती है? हम मेहनत पूरी कर रहे हैं और बस अब ईश्वर तुल्य जनता का आशीर्वाद हमें मिले तो सब आसानी से हो जाएगा। आजमगढ़ की सभी जनता से हाथ जोड़ के अनुरोध है, जितना प्यार आप लोग यहाँ दे रहे हैं, जितना प्यार आप लोग ने फिल्मों में दिया है, उतना ही प्यार दिनेश जी को 23 जून को कमल का बटन दबा के दीजिए, ताकि आपके अगले सांसद दिनेश जी हो। 2 साल के लिए उनको मौका दीजिए और अगर 2 साल में आजमगढ़ का विकास नहीं हुआ तो उन्हें बदल दीजिएगा, लेकिन 2 साल के लिए उनको मौका दीजिए, सिर्फ 2 साल का समय बाकी है। और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि वो आप लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे। धन्यवाद। आजमगढ़ में बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि आजमगढ़ के बदलाव के लिए आजमगढ़ में बदलाव होना जरूरी था, और ये बदलाव जरूरी था क्योंकि आजमगढ़ का जो हाल है आप लोग जानते हैं कि 2 साल के बाद अखिलेश भैया चले गए और 2 साल का समय बचा है, तो उसमें आजमगढ़ की हालत सुधरेगी और भी अच्छी होगी। दिनेश जी भारी मतदान से जीत रहे हैं, आजमगढ़ में कमल खिलने वाला है, हम लोग सब उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कल भी करते थे और आज भी कर रहे हैं और हमेशा उनको सपोर्ट करेंगे, वो एक बहुत अच्छे इंसान है, उम्मीद करते हैं कि वो इस बार जीत जाए, उनके पास सब कुछ है, बस वो आप सबके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज उन्हें मौका दीजिए और उन्हें वोट देकर जरूर जिताइए, क्योंकि कुछ नया होना चाहिए आजमगढ़ में, कुछ अच्छा बनना चाहिए, कुछ होना चाहिए ताकि वो अपने आप को साबित कर पाए, सो प्लीज 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 उन्हें जरूर वोट दीजिए और उन्हें जिताइए। जय श्री राम। आपने देखा किस तरह से रवि किशन जी, नीलम गिरी जी, परवेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे आज किस तरह से रोड शो कर रहे हैं अपने दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के लिए। आप पीछे देख सकते हैं जलवा काफी बड़ा है और एकदम बरकरार जल रहा है, आप देख सकते हैं किस तरह रवि किशन जी हमारे पीछे हैं और इतने बड़े बड़े स्टार आ चुके हैं।